सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या होता है। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है, आखिर किसे कहते हैं एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म एक मूवमेंट था, यानी कि लिटरेरी मूवमेंट था। स्टार्टिंग में ये पोएट्री और पेंटिंग में स्टार्ट होता है, जो जर्मनी में स्टार्ट हुआ 20th century की स्टार्टिंग में, मतलब World War I से पहले। इसका जो मेन एम था वो दुनिया को आर्टिस्ट की नज़रिए से दिखाना था, मतलब वो दुनिया को किस तरह देखता है या इस दुनिया में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो आर्टिस्ट अपने नज़रिए से दुनिया के सामने रखता था अपनी आर्ट्स के थ्रू। मीन्स आर्टिस्ट अपनी दुनिया में जो एक्सपीरियंस करता है उसे एक्सप्रेस करता है, उसे ही एक्सप्रेशनिज्म कहा गया। और ये एक्सप्रेशन करने की आर्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे पोएट्री, पेंटिंग, स्कल्पचर, और जो व्यूवर्स हैं उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को विस्तृत करना, जिससे विस्तृत यानी कि बढ़ाना, जिससे कि न्यू आइडियाज़ को जगाया जा सके। यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं जिसे देखकर हमें एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर में एक्सप्रेशनिज्म होता क्या है और किस तरह से आर्टिस्ट अपने पिक्चर के या पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते थे अपने आप को। और अब बात करते हैं व्हाट इज़ एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर, यानी कि एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर क्या था। स्टार्टिंग में एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर रिजल्ट था रियलिज्म और नेचुरलिज्म थिएटर का। इसका मतलब है कि लोग रियलिज्म और नेचुरलिज्म जैसे मूवमेंट से बोर हो चुके थे, अब उन्हें कुछ नया चाहिए था, मतलब एंटरटेनमेंट की फॉर्म में ये इन चीज़ों को अब और देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट को अपनाया। इनमें जॉर्ज काइसर और अर्नेस्ट टॉलर काफ़ी फेमस प्लेराइट थे इस टाइम के। अमेरिकन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की अगर हम बात करें तो इसके मेजर राइटर थे यूजीन ओनेल, द हेरी एप, द एम्परर जोन्स, ग्रेट गुड ब्राउन, ये उनकी कुछ प्लेज हैं। और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में प्रोटोगोनिस्ट की स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सफरिंग को ड्रामाटाइज करते थे प्लेराइट्स। ऑगस्ट स्टेनबर्ग अपनी एक ऑटोबायोग्राफिक ट्रेजेडी जिसका नाम था टू डमास्कस के साथ इस फॉर्म के पायनियर माने जाते हैं। इस ड्रामा फॉर्म में स्पीच पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं इस ड्रामा की कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसका एटमॉस्फेयर रियल सा होता है और रात में इसको परफॉर्म किया जाता है। मोस्टली स्टेज पर अनरियलिस्टिक लाइट्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ किया जाता है। स्टोरी को ड्रीम वे में दिखाया जाता है। स्पीच में पॉज और साइलेंस का यूज़ होता है। अगर इस ड्रामा की प्लॉट और स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो प्लॉट्स एपिसोड में टूटे हुए होते हैं और हर इंसिडेंट का अपने आप में महत्व होता है। अब बात करते हैं करेक्टर्स की। करेक्टर्स इसमें अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। इस ड्रामा के करेक्टर्स स्टीरियोटाइप्स होते हैं। इस ड्रामा में करेक्टर्स को कैरिकेचर की तरह यूज़ किया जाता है और ये जो करेक्टर्स होते हैं वो सामाजिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि अपने आप को, मतलब करेक्टर अनरियल दिखाई देते हैं बिल्कुल। और इसका जो सेट होता है वहाँ पर खूब सारे कलर से उसको सजाया जाता है, करेक्टर्स मास्क का यूज़ करते हैं। स्टोरी का जो मैसेज होता है वो प्लॉट के सेंटर से जुड़ा होता है, मीन्स ज़्यादातर सच की खोज से जुड़ा होता है। और जो इसकी थीम होती है यानी कि स्टोरी का जो मैसेज होता है उसे प्रोटोगोनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से समझाया जाता है, नरेट कराया जाता है। मोस्टली इन प्लेस की जो थीम होती है वो कई कई अलग अलग तरह के टैबूज पर होती है, इंसेस्ट पर होती है और पैट्रिसाइड पर होती है। इसमें करेक्टर्स को सिंबल की तरह यूज़ किया जाता है। इनर साइकोलॉजी करेक्टर की रिवील की जाती है। लंबे लंबे मोनोलॉग होते हैं। स्पीच तेज और ब्रेथलेस होती है। लैंग्वेज पोएटिक या लिरिकल हो सकती है या फिर प्रोज और वर्स का मिक्सचर हो सकता है। एक्टिंग में ओवर एक्टिंग की जाती है और एक्सट्रीम इमोशन का यूज़ होता है। इस टॉपिक को मैंने काफ़ी ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है, अगर आपके कोई सजेशंस हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ब्रीफ में इसलिए कि क्योंकि हमें सिर्फ यही आइडिया लेना है कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा क्या होते हैं और ये CCH यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट में आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव ए नाइस डे।